Hi guys, welcome back to my channel once again in Secret Logic. And today I'm sharing with you all guys. आपने अपना thumbnail से देख ही लिया होगा. मैं आज बात करूँगी hair baldness और hair transplantation के बारे में. तो what is hair baldness और किन-किन reasons से ये होता है? तो चाहे वो बड़े-बड़े celebrities हो या हम जैसे normal लोगों hair fall की problem almost सभी को होती है. सबसे पहली चीज़ है वो heredity है. यानी कि अगर आपके दादा, नाना, नानी, मामा किसी के भी baldness की problem है, मतलब कि उनके बाल झड़ के, baldness मतलब क्या होता है, ये आपका बाल पूरा झड़ जाता है यहाँ से और आपका पूरा baldness यानी कि आपका टकला जो है, I don't know what is the right word for baldness के लिए मुझे क्या use करना चाहिए, but हाँ आपका scalp completely वो दिखने लगता है, पूरे बाल जो है आपके वो कम हो जाते हैं, almost आपकी बहुत ज़्यादा hair fall होती है, क्योंकि एक दिन में नहीं होता है, इसको होने में time लगता है, but आपकी बहुत ज़्यादा hair fall होती है, ना एक बार में आपके इतने-इतने बाल निकलते हैं, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा hair fall होता है, खुद समझ जाओगे इस चीज़ को. तो जब बहुत ज़्यादा hair fall ऐसे होते-होते आपको एक time ऐसा आता है कि आपको baldness की problem जाती है, आपका बाल आगे से झड़ने लगता है, पीछे से झड़ने लगता है, किसी-किसी का आगे से झड़ता है, किसी का पीछे झड़ता है, किसी का साइड से झड़ जाता है, तो कुछ भी हो सकता है. तो सबसे पहले ये heredity problem, तो इसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि if you have a heredity problem तो इसमें आप कितनी भी केयर कर लो, कुछ भी कर लो, और ये होता ही है क्योंकि ये आपके जीन्स में है शायद इस वजह से. तो और सेकंड चीज़ है कि आप क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या ले रहे हो आप अपने डाइट में. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने डाइट में क्या कंज्यूम करते हो, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपके हेयर को. तो अगर आप हेल्दी फूड्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, अपने बालों में अच्छे से अच्छे ऑयलिंग करते हैं और अच्छा सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करते हैं, ख़ास तौर से कि केमिकल शैम्पू से दूर रहते हैं, बालों को धूप से बचाते हैं और बालों की केयर करते हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग अपना शैम्पू चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे आपके बाल हेल्दी होते ही होते हैं. तो इफ़ यू आर सफ़र अ प्रॉब्लम, यू नो अ लिटिल अमाउंट ऑफ हेयर फॉल, देन यू श्योर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. लाइक आप अभी से अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लीजिए, एक्सरसाइज डेली करिए, कुछ प्राणायाम होते हैं जिनको करने से आपका हेयर ग्रोथ अचानक से इंक्रीज हो जाता है. जैसे कि फर्स्ट है ये बालायाम, जो आपको अपने दोनों नाखूनों को रगड़ना होता है इस तरीके से पूरे फिंगर के, और ये आपको डेली मॉर्निंग में करना होता है. एक दिन करेंगे तो इससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगर आप डेली करते हो तो एक से दो मंथ के बाद आपको विजिबल रिजल्ट समझ में आएगा कि आपकी हेयर फॉल जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आपके बाल जो है वो इंक्रीज होने लगेंगे, आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होने लगेगी. इसके साथ ही साथ अनुलोम विलोम है और कपाल भाती है और मुझे कुछ एक्सरसाइजेस के नाम नहीं याद आ रहे हैं इस समय, वो सब करने से आपके हेयर ग्रोथ जो है काफ़ी इंक्रीज होता है. मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए अपने हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो वीडियो आप ज़रूर चेक करेगा. मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर आई बटन पर मैं इसको डाल दूँगी. ओके, और लाइफ स्टाइल का मतलब है कि आपको डेली मॉर्निंग में उठना है, घास पर चलना है आपको, और इसके बाद आप जो है डेली बालों को बिल्कुल वॉश मत करिए. कुछ लोग सोचते हैं कि हम डेली पॉल्यूशन में जाते हैं तो हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, बट एक्चुअली इससे क्या होता है आपकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगती है. इफ़ यू सफ़र यू नो, अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा गंदगी है, डैंड्रफ है, तो आप डेली वॉश करो, लेकिन जब ये कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप रोक दो. आप हफ्ते में 2 से 3 बार हेयर वॉश कर लो, इट्स इनफ फॉर योर हेयर, क्योंकि इतने ज़्यादा आपके बाल डैमेज नहीं होते हैं. और स्पेशली अगर मैं बात करूँ मॉनसून सीज़न की, तो मॉनसून सीज़न में आपको कम से कम अपने बालों को वॉश करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस सीज़न में आपके बाल ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, तो क्योंकि शायद वेदर में भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है इस रीज़न की वजह से, तो आप जितना हेयर वॉश करोगे आपके उतने ज़्यादा हेयर फॉल होंगे, इसलिए आपको मॉनसून सीज़न में एटलीस्ट कम से कम ही जो है हेयर वॉश करना चाहिए. आई थिंक 2 times इट्स इनफ फॉर अ वीक. तो वीक में आप 2 बार जो है वॉश करें अपने बालों को मानसून सीज़न में, इट्स इनफ फॉर योर हेयर ग्रोथ. और मैं बात कर रही थी, मैं अपने टॉपिक से आगे ही निकल गई. तो चलिए मैं बात कर रही थी कि हेयर बाल्डनेस क्या होती है. तो जिनको हेयर बाल्डनेस हो जाती है, फिर मतलब इफ़ यू हैव अ हेरिडिटी प्रॉब्लम, देन हाउ कैन यू नो, अच्छा नहीं लगता है, बहुत एम्बेरसमेंट फील होता है लोगों के सामने. आजकल तो बहुत कम एज के यू नो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं और आगे से बाल ऐसे झड़ जाता है. स्पेशली बॉयज़ में मैंने ये चीज़ें ज़्यादा देखी है, अभी तक गर्ल्स में मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है, बॉयज़ को मैंने ज़्यादा देखी है. तो वो जब इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो मेरी फैमिली में या मेरी रिलेटिव्स में भी मैंने किसी ऐसे पर्सन को देखा था, तो उन्होंने जो है बाद में हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया. तो
आई थॉट कि क्यों मैं आप सबके साथ शेयर करूँ इस चीज़ को, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत ऐसे लोग हो जिनको इस बारे में नॉलेज ना हो कि व्हाट इज़ हेयर ट्रांसप्लांटेशन। तो मैं आपको बता दूँ कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक तरीके का टेक्निक है जिसमें कि आपको बालों की कई वैरायटी होती है। आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बहुत सारे क्लिनिक हैं दिल्ली वगैरह में, काफ़ी अवेलेबल हैं, और इसका अराउंड कॉस्ट रहता है, मैं मिनिमम आपको बता रही हूँ तो 20 to 25,000 मिनिमम कॉस्ट आता है। और आपको हर 6 मंथ के बाद इसको जाके एक बार चेक कराना होगा ताकि इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस ना हो। और आपको बाल धुलते समय आपके जो एक तरीके का ये नकली बाल होता है तो उसको निकाल करके फिर अपने हेयर को वॉश करना होगा, और इससे जो है आपके बाल मतलब डैमेज नहीं होंगे। उसमें कोई भी शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं करना है, और बहुत ही शाइनी टेक्सचर के अच्छे बाल रहते हैं, और वो इस तरीके से आपके स्कैल्प में फिट हो जाते हैं कि बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लगते हैं। तो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इस टॉपिक पे, अगर और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं आपको श्योरली इसके बारे में और जानकारी दूंगी। फिलहाल मैं आज के लिए इतना ही बता देती हूँ। इफ़ यू सफर अ प्रॉब्लम, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने जो है कंसल्टेशन या आसपास के हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स से कंसल्ट करिए। आपको आए दिन इसके तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट या फ़ोन पर या आपको इसका बहुत सारा मिल जाएगा जानकारी, और इसके बाद आप वहाँ जा करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। और इसमें कोई भी तो मैं इस टॉपिक को इसलिए मैं आज ये कवर कर रही हूँ क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप सफ़र कर रहे हो बाल्डनेस की प्रॉब्लम से तो आप जो है ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं, इट्स 100% सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको हर 6 मंथ के बाद इसको चेक कराना है, उसका भी कॉस्ट आई थिंक 15 to 20,000 आता ही आता है। तो ये है इस चीज़ के बारे में, आई थिंक मुझे ये जानकारी आप लोगों को देनी थी तो सो मैंने आज ये दी थी। तो अगर आप कराना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आया तो मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।